अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं 2 साल क्यों मेरा गया है, मतलब पूरा टाइम वेस्ट हुआ है, दूसरों को पैसे देना पड़ा है। अगर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दत्तात्रेय और आप देख रहे हैं स्टार इम्पोटेक CNC। दोस्तों अभी हमारे इंस्टीट्यूट में CNC राउटर डिज़ाइनिंग ऑपरेटिंग और प्रोग्रामिंग का जो बैच चल रहा है उसका अभी कुछ दिनों में आखिरी हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे बच्चे जो पढ़ने के लिए आए हैं उनका हम एक्सपीरियंस आपके साथ, दर्शकों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं, इसीलिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। 1 महीने का लगभग इनका ट्रेनिंग चला, 1 महीने में इनको क्या क्या एक्सपीरियंस आया और इन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की, इसके बारे में आज मैं इनका पर्सनली रिव्यू लेके, मतलब पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछ के आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट को पूछना चाहूँगा कि उनको यहाँ पे कैसे आया और उनका बारे में हम डिटेल में जानकारी ले लेंगे। तो आपका नाम क्या है? अब्दुल जलील भैया। कहाँ से बिलोंग करते हो? कसा डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं। मतलब आसाम से आए हो? आसाम से आए हैं। ठीक है। लगभग यहाँ से कितनी दूरी है हमारे स्टार इम्पोर्टर CNC से? 4000 किलोमीटर। हाँ, 4000 किलोमीटर। हाँ, तो हमारे यहाँ पे बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं तो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, ये भी आसाम से बिलोंग करते हैं। प्यार से हमें इनको जलील बोल देते, वो एक मजाक की बात है। लेकिन इनको अभी हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में कैसा लगा, क्या लगा, इसके बारे में मैं आपको पूछना चाहता हूँ। अच्छा ही लगा था, या रहने का या जो माहौल है, हमारा जो साथी भाई है, स्टूडेंट जो बंधु फ्रेंड्स है, पूरा परिवार के जैसे हम रहे इतने 1 महीने तक। और टीचर जो लोग है, जो टीचर है वो भी हमारे बहुत अच्छे से गाइड किया है, अच्छे से पढ़ा है। जो जो भी चीज़ की ज़रूरत हो, अगर किसी को मेडिकल की ज़रूरत हो, किसी प्रॉब्लम की, कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसको भी तुरंत उसको मेडिकल शॉप में जाके जाते हैं, उसका अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। खाने पीने भी अच्छे टाइम टेबल आ जाता है, बाकी सब हमारा कुछ अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा है। चल एक महीना हमारा खूब अच्छा चला था। टीचिंग भी हम बहुत अच्छे से किया, पूरा मौसम भी यहाँ तक, वेदर भी बहुत अच्छा है, मस्त है। मतलब यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे बच्चे आते, कुछ उनको बीमारी या कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाए या उनकी तबीयत ठीक ना रहे, तो हमारे यहाँ पे हम जो कुछ स्टाफ है वो उनको मेडिसिन देना या उनका केयर करना यहाँ पे ले लेते। तो इन्होंने भी एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया हुआ है, इनके भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो इनको भी दवा या कुछ जो कुछ लगना था चीज़ें वो इनको ला के दे दिए है यहाँ पे, और अभी इनका तबीयत बहुत अच्छा है। तो आपको ये ट्रेनिंग कैसा लगा? ट्रेनिंग तो सर बहुत अच्छा लगा है। हम ट्रेनिंग तो पूरा ट्रेनिंग का जो बेसिक से लेकर एंड तक पूरा हमने उसका लुत्फ़ उठाया और हम बहुत अच्छे से किया, मन लगा के किया। हमारा जो स्किल था, जो हम जो सीखने आए थे, करीब हम वो हमारा लगता है वो हम सीख गए हैं। हम लगता है कि पूरा 100% की 100% तो होगी नहीं होगी, क्योंकि 99% हमारा हो गया, हमारा हम सीख गए। वो जो हम जो उम्मीद लेके आए थे, इतना दूर हम जा रहे, इतना दूर बोले तो बहुत दूर, हमारे घर से बहुत दूर है, 4000 किलोमीटर आसपास कुछ आता है, तो इतना दूर है। तो आते वक्त आप कैसे आए यहाँ पे? हम तो फ्लाइट से आए थे, वह यहाँ से यहाँ तक बस पकड़ के आए, यार बाद में कोल्हापुर से यहाँ तक हम ऑटो लेके आए थे। ऑटो तो मतलब आप पढ़ने के लिए खाली वहाँ से इतनी दूर आए? 1 महीना के कोर्स के लिए। हमने जो सुना था यहाँ पे स्टार इन्फोटो महाराष्ट्र में कोल्हापुर में स्टार इन्फोटो करके इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे CNC राउटर का करीब 1 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है, और एक ट्रेनिंग में हमको तीन सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो जाता है, जैसे कि करोलड्रो, एटोकार्ड और आर्टकैम, तीनों नॉलेज हो जाता है साथ में। यहाँ से बहुत अच्छा एक चीज़ है जो प्रैक्टिकल आप कितनी बार कर सकते हो, चाहे आपको प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है। हमको जब चाहे प्रैक्टिकल करने का जी चाहे वो इतने बार हमको प्रैक्टिकल देखो। आज इंसान पढ़ पढ़ के तो एक चीज़ बार बार करे तो उनका दिमाग ईक हो जाता है। हाँ देखा, हमने ट्राई किया था, लेकिन उसको डाइवर्ट करें तो वहाँ से कुछ वहाँ तक प्रैक्टिकल करेंगे तो कुछ मन डाइवर्ट होता है, अच्छा लगता है। हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमको आ गए जो हमने प्रैक्टिकल थ्योरी में किया वो प्रैक्टिकल में हमको आ गए, तो खुशी होता है मन में। जो हमको तो प्रैक्टिकल जो करने के लिए आए थे, जो हम करना चाहते हैं वो हमको आ गया।
अभी हमें जब कॉल सेंटर को कॉल आ जाता है हमारे यहाँ पे, तो बहुत से बच्चे पूछ लेते हैं कि सर कोरल ड्रॉ, ऑटोकैड और आर्टकैम एक ही महीने में आप कैसे और किस तरीके से पढ़ाते हो। तो हम ये बच्चों को ही पूछेंगे कि वो किस तरीके से यहाँ पे पढ़ते हैं और उनका डेली प्रैक्टिकल थ्योरी कितना होता है और वो किस तरीके से करते हैं और उनका एक महीने के ड्यूरेशन में ये सारे तीनों सॉफ्टवेयर किस तरीके से सीखते हैं, उनको ट्यूटोरियल्स कितनी दी जाती है, इसके बारे में हम थोड़ा जलील को पूछेंगे। दोस्तों तो हम बताएंगे जो इसको पहले से बताएंगे कैसे हुआ। तो यह पहले के बात है, जो हम रहते हैं जहाँ पे इसके हम तो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, नीचे ग्राउंड में उसका ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, जो ट्रेनिंग सेंटर और ऑफिस हमारा नीचे ही है। तो हम ये पकड़ लो सुबह 8-9 बजे तक हम रेडी हो जाते, पूरा सर आ जाते हैं बाहर से, घर से आ जाते हैं, तो हम इंस्टीट्यूट में घुस जाते, अंदर रहते ही तो है, अंदर आ जाते हैं, हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो सर चला जाते हैं, एक सर छोड़ के बाकी दो तीन सर चला जाते हैं, एक सर हमारा साथी रहते हैं, बाकी तीन सर घर में चला जाते हैं। तो हम रात को 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक जितना मर्जी नींद नहीं आ रहे, चलो हमको तो नींद नहीं आ रहा अभी, उतना स्टूडेंट है, चलो हम प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ ना कुछ हम बनाएंगे जो सीखने के लिए आए, या तो आए सीखने के लिए, इतना पैसा खर्च, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना घर से बहुत दूर आए तो कुछ ना कुछ सीखेंगे भाई। तो हम प्रैक्टिकल करते हैं वहाँ पर जाके, प्रैक्टिकल कर जितना मर्जी जितना टाइम जो भी सर, एक सर रहते हैं हमारे तैनात के लिए, सर को पूछते सर ये नहीं हो रहा है कैसे, ये कैसे होगा, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, सर तुरंत बता देते हैं ये होसा होगा, ये होसा होगा, ऐसे इस तरह करो, इस तरह करो, तो हमको बता देते हैं कैसे करना है, कैसा वो होगा। तो हम बिल्कुल मोर करीब आपको जितना टाइम चाहे, जितना मर्जी आपको चाहिए, जितना एडुकेशन लेना आप चाहते हो आपको ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं तो आप घूम सकते हो, जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई कॉलेज में जाते हो तो ऐसे ही चलता है, आप बड़े हो गए आपको ऊपर सब निर्भर करते हैं। हम आए उतने दूर से सीखने के लिए, तो सीखने के बहुत मतलब कोशिश करेंगे सीखने के, जितना हमें मिलेगा उतना सीखेंगे, मिलेगा कि जो मन में है वो पूछेंगे सर ये कैसा हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, सर भी हमको आसानी से भाषा से जो भाषा आपको मालूम है, जो भाषा आपको जिस लैंग्वेज से, इस लैंग्वेज से आपको आने आ रहा है, जैसी लैंग्वेज से आ रहा है उसी लैंग्वेज से आपको समझाने की कोशिश करते हैं सर। तो आपको हमको समझ में आ रहा है जो जो सर ने बताया है, सर जो बोलते हैं हमको अच्छा लगता है, ख़ास करके दत्ता सर हमारा ये जो राउटर के लिए है, ख़ास करके उन लोगों ने बहुत गाइड किया हम लोगों को और बहुत अच्छे से हमको पढ़ाया है, बहुत अच्छा लगा, यहाँ आके मन भर गया, ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है ये घर का महल हो गया, ऐसा लग रहा है पूरा महल घर का महल जैसा लग रहा है। यहाँ पे दोस्त लोग ऐसे बन गए, जो दोस्त क्या बोले तो ऐसा लग रहा है बचपन से दोस्त ये सब ही है, लेकिन एक महीने का दोस्त है, ऐसा लग रहा है जो बचपन से हम लोग इन लोगों को जानते थे, उनका पूरा सब मतलब जानते हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। मैं एक पूछूंगा आप सब लोगों से कि क्या आप ट्रेनिंग में जितना आपको पढ़ाया मैंने या जो कुछ जानकारी आपको दी, जो 10 साल से मेरे एक्सपीरियंस है, तो आप इस ट्रेनिंग से संतुष्ट है, हाँ या ना आप बता सकते हो? हाँ सर बिल्कुल संतुष्ट है हम जितना नॉलेज के लिए आए थे, हमको लगता है उससे ज़्यादा हमको शायद मिल गया, शायद तो क्या मिल गया है हमको, और बहुत अच्छा नॉलेज दिया सर अपने और यहाँ के और भी टीचर लोगों ने, जो अच्छे जो इस ये तो जो हम राउटर के लिए आए, राउटर को सीखे तो सिखाइए, बाकी के जो और भी है वो जो कैसे मतलब कैसे एक माहौल में रहना चाहिए, कैसे किस तरह रहना चाहिए, किस तरह हम 50-60 बंदे रहते हैं, अब एक महीना हुआ कोई हमको ऐसा लग रहा है बोला पूरा सार लोग, सार नहीं, सार तो टीचिंग में सार लोग जैसे बाद में फ्रेंड जैसे रहते हैं, गाना चलता है, म्यूजिक से बजता है, पूरा फ्रेंड सार को, सार पूरा फ्रेंडली चलते हैं हम लोग सार के साथ, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आते हैं। आगे जाके आप जॉब करोगे या बिजनेस? सर हमारे पास खुद का बिजनेस है, तो जॉब का ऑफर आए थे हम लोगों को, लेकिन हम खुद का बिजनेस है वही स्टडी करेंगे, हम वही आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही सोच रहे हैं हम लोग। लेकिन जब CNC राउटर के लिए अभी
प्लेसमेंट देना चालू किया है। थोड़े बहुत कंपनी हमारे कॉन्टैक्ट में अभी आ चुकी है और आगे शायद ये बहुत बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी वेल ट्रेंड सीएनसी राउटर डिज़ाइनिंग, ऑपरेटिंग और प्रोग्रामिंग करने वाले लोगों की मार्केट में बहुत कमी है। और यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनको ट्रेनिंग हम पूरा गाइडिंग सच्चे दिल से और अच्छे तरीके से करते हैं, ताकि जाके वो वहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर सके। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं, आप कहाँ से आए? मैं असम से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम है यामिन हुसैन लश्कर और मैं कचर असम से कचर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा टाउन है सिलचर टाउन। आपको यहाँ माहौल कैसा लगा? यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब पहला दिन आया था, नई जगह है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था, लेकिन बाद में इतना अच्छा लगा माहौल, क्योंकि यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा रहता है और बाकी सब चीज़ तो बहुत ही अच्छा है। और रहने का जगह, खाना वगैरह टाइमली मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको रहने के जगह भी मिलता है, इंस्टीट्यूशन के पास भी पास ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है आने जाने का। उधर से रेडी हो, पास में ही है आपका इंस्टीट्यूशन, नीचे आके हम लोग क्लास कर ले सकते हैं। आपको ट्रेनिंग कैसा लगा यहाँ पे? ट्रेनिंग तो मैं टू बी वेरी ट्रूथ मैं आया था कुछ सीखने के लिए, लेकिन जब मेरा ट्रेनिंग शुरू हुआ है सिक्स से मैंने सीखना शुरू किया है। अभी इतना सीख चुका हूँ मैं, मतलब क्या बोलूँ, मैं जो सीखने आया था उससे कहीं गुना ज़्यादा मैं सीख चुका हूँ, क्योंकि इधर का टाइमिंग भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली हम लोगों को 3 सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, कोरल ड्रॉ, आर्टकैम और ऑटोकैड। इन तीनों सॉफ्टवेयर के लिए 3 महीना चाहिए, लेकिन इधर का टाइमिंग है 8 आवर्स 30 दिन की होता है, टोटल आपका 240 आवर्स हो जाता है। इसलिए हम लोग एक ही महीने में तीनों सॉफ्टवेयर सीख जाते हैं। मतलब 240 घंटे आप यहाँ पे ट्रेनिंग करते हो डेली? तो हमारे यहाँ पे 8 घंटे का डेली का रूटीन रहता है और 8 घंटे के हिसाब से लगभग एक महीने का 240 घंटा इनकी पढ़ाई होती है। तो इसमें हम उनको ऑटोकैड, कोरल ड्रॉ और आर्टकैम का पूरा ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं, ताकि वो जाके अच्छी तरीके से उनकी डिज़ाइन 2D 3D का ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग करने के लिए जो कुछ लगता है उनको बेसिक से हायर लेवल तक आगे उनको मैं हम जानकारी देते हैं। ठीक है, तो अगला हम उनसे पूछेंगे कि आपको कितना समय यहाँ पे प्रैक्टिकल करने को मिला 2D और 3D का, और कितना डिज़ाइन आपको दिया था प्रैक्टिकल करने के लिए? जी हम पहले तो हमने 2D स्टार्ट किया है। 2D स्टार्ट करने के बाद हमको एक एक स्टूडेंट को 6 डिज़ाइन करके मिला है। और आप जब आपका अगर क्लास पीरियड ख़त्म भी हो जाए, आप रेस्ट करके फ्रेश होने के बाद जब इंस्टीट्यूशन का क्लास बंद हो जाता है, बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हो आपको जितना तक चाहिए, क्योंकि हमारे साथ एक सर इधर रहते हैं, इसलिए आपको जितने घंटे चाहिए रात को 2 बजे तक 1 बजे तक आपको जितना प्रैक्टिस करना है आपको कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं रोकेगा। कि जो सीखना है आप परफेक्टली सीख सकते हो, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है इधर। मतलब ये कि अगर आपका कोई जो कुछ पोर्शन है उसमें अगर कुछ क्लियर ना हो तो आप देर रात तक वो पूरा प्रैक्टिकल करके यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट रहा नेक्स्ट दिन तो हम सर से पूछ लेते हैं, और हर रात को हमारा ऐसा ही चलता है कि हम 12 बजे 1 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं, और सुबह तो 9 बजे के बाद क्लास शुरू होता है, इसलिए आपका नींद का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप 6-7 बजे तक उठ जाओ, बाद में रेडी हो जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, ये बार बार दर्शक भी पूछते हैं या कई बार कमेंट करके भी पूछते हैं, क्या आप इस ट्रेनिंग से संतुष्ट हो? हाँ, क्योंकि मैं जो सीखने आया था वो उससे कहीं गुना ज़्यादा मिला है मुझे, कहीं गुना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मिला है। एक महीने के अंदर आप अगर इधर आओगे तो आपको पता चलेगा, नहीं तो अब दूर बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि 3 महीने का कोर्स आप 1 महीने में कैसे कर सकते हो, हर एक का मन में यही सवाल होता है। लेकिन एक बार आप इधर आ जाओगे तो आप अब जैसे मेरे को पूरा मिला है, आपको भी 100% शेयर पूरा मिलेगा। तो अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं कि आप यहाँ से जाके जॉब करोगे या खुद का बिजनेस? मैं तो अपना खुद का बिजनेस करूँगा, क्योंकि मेरा तो खुद का है, इसलिए मैं खुद का कंटिन्यू करूँगा। लेकिन अगर हम लोगों को भी जॉब का ऑफ़र मिला है इधर से, जो जिसको जॉब चाहिए इधर से ही उन लोगों को प्लेसमेंट मिल जाएगा, लेकिन हम लोग का खुद का है इसलिए हम खुद का कंटिन्यू करेंगे। मतलब आप इस बिज़नेस में कब से हो, राउटर के यहाँ पे या लकड़ी के यहाँ पे काम जो करता है कर्विंग के, तो इस फील्ड में? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं
वो ज़्यादातर ग्रेनाइट पे काम करने वाले, ग्लास पे काम करने वाले या कर्विंग का काम करने वाले होते हैं। इसके साथ साथ वो प्लाज्मा कटिंग या बाकी के जो रहते हैं इसके लिए डायग्राम डिज़ाइन भी यहाँ पे डिज़ाइन हम सिखा देते हैं बच्चों को। तो आपका ये बिज़नेस कब से है और आप यहाँ पे क्यों मतलब आना चाह रहे हैं? मेरा करीब 8-10 साल से है ये बिज़नेस। तो पहले मेरा जो होता है वो कारपेंटर कर्विंग वगैरह वो कारपेंटर करते थे। अब मेरा जाके मेरे 2 साल हुए मेरे CNC रोटर ख़रीदने का। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं 2 साल क्यों मेरा गया है, मतलब पूरा टाइम वेस्ट हुआ है, दूसरों को पैसे देना पड़ा है। अगर इंस्टीट्यूशन ये स्टार इन्फोटेक का पता मेरे पहले चल जाता तो मेरा बहुत पैसा सेव हो जाता, मैं दूसरे से डिज़ाइन ख़रीदना भी नहीं पड़ता मेरे को और मंथली ऑपरेटर को तनख्वाह भी नहीं देना पड़ता। मतलब है आपका ये फ़ायदा हो गया? फ़ायदा मतलब बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी मेरा डिज़ाइन का पैसा भी मैं खुद बना पाऊँगा डिज़ाइन, और आपका ऑपरेटिंग और प्रोग्रामिंग का भी मेरा पैसा बच जाएगा पर मंथली। तो आप मशीन पे अभी सेटिंग लगा सकते हो? हाँ बिल्कुल, इधर पहले तो मेरे को कुछ नहीं आता था, लेकिन इधर आके 1 महीने में मेरा सेटिंग ऑपरेटिंग और प्रोग्रामिंग सब कुछ क्लियर हो है। साथ में आपका कोरल ड्रॉ, ऑटोकैड और आर्टकैम भी क्लियर हो चुका है अभी फ़िलहाल डिज़ाइन के लिए। मतलब तीनों ही ऑपरेटिंग, प्रोग्रामिंग, डिज़ाइनिंग और सेटिंग इन्होंने 2D और 3D में कंप्लीट किया है। साथ ही इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बना के दिखाए, उसका मैं स्क्रीनशॉट और वीडियो भी मैं आपके इस वीडियो के आगे डाल दूँगा, तो वहाँ जाके आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मशीन के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा, तो आप उसका जवाब दे सकोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मशीन काम करता है किस में, इंच में करता है ज़्यादा या MM में काम करता है? आपका अगर प्रोग्राम अनुसार है और बेस्ट है कि आप MM में ही काम करो। सही है, तो आप MM में यहाँ पे डिज़ाइन करते हो तो उसका काम MM में आप यहाँ पे बेस्ट है कि हाँ बेस्ट है कि आप MM में काम। सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ दर्शक के सामने कि आप जब कोई भी 2D या 3D की फाइल सेव करते हो तो किस फॉर्मेट में वो सेव करते हो? जे 2D और 3D का फाइल, मतलब डिज़ाइन फाइल और डिज़ाइन वाला नहीं है, टूलपाथ जो सेव करते हैं वो जी कोड हम MM में करते हैं फर्स्ट से। तो इन्होंने तो प्रैक्टिकल करके यहाँ पे देखा। आप भी अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो 20 जून से हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग चालू होने वाला है, और उसके कुछ लिमिटेड सीट रहते हैं। हमारे यहाँ पे जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो लिमिटेड सीट के लिए लेते हैं, मतलब 6 या 7 बच्चे ही लेते हैं, उनको ही खाली ट्रेनिंग देते हैं हम, पूरा मतलब एकदम ज़्यादा नहीं रहता। इसकी वजह से उनको मशीन अच्छी तरीके से ऑपरेट करने के लिए या प्रोग्रामिंग करने के लिए, वहाँ पे सेटिंग लगाने के लिए, वो खुद वहाँ पे जाके कुछ प्रैक्टिस करने के लिए उनको अवेलेबल रहता है। आज फिलहाल हमारे पास एक हुआंग का मशीन है, CNC राउटर है, जहाँ पे हर तरीके की सेटिंग लगा देते हैं, ग्लास का हो या बाकी का कुछ हो, तो यहाँ पे हम वो क्लियर करके दे देते हैं। और इन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग कम्प्लीट कर चुके हैं, अभी 1-2 दिन के बाद इनका ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद ये अपना बिजनेस संभालने के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन इन्होंने जो बताया वैसा एक्सपीरियंस आपके साथ भी होता होगा, आपके बिजनेस में भी कुछ प्रॉब्लम आते होंगे, आपको भी डिज़ाइन में काफ़ी तकलीफ़ है, काफ़ी प्रॉब्लम आते होंगे, जैसे 2D में 3D में कन्वर्ट करते वक्त कुछ एरर आ जाते हैं या डिज़ाइन में कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो जाती, उसके ट्यूटोरियल नहीं आप बना पाते। जैसे आपको यहाँ पे बेड बनाना है या बेड का बाकी का पोर्शन बनाना है या 2D का जाली का डिज़ाइन बनाना है, मंदिर इंटीरियर के लिए सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो CNC राउटर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम उसका यहाँ पे लाइव ट्रेनिंग प्रैक्टिकल और थेरेटिकल दोनों ही यहाँ पे हम पढ़ाते हैं। तो आप भी अगर करना चाहते हो तो 20 जून के बैच में आप एडमिशन कर सकते हो। इसकी जानकारी आप नीचे दिए गए नंबर पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हो, हमारे यहाँ पर जो रेशमा मैडम है वो आपको डिटेल में यहाँ पर जानकारी दे देंगी। और आगे का नेक्स्ट हम सवाल दूसरे से पूछ लेते हैं। तो अगला सवाल लेते हैं हम अगले वाले स्टूडेंट को। आप कहाँ से आए हो? सर मैं गोरखपुर, मैं महाराजगंज उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ, तकरीबन 1800 किलोमीटर दूर से। जो भी मैंने सर के द्वारा मुझे पढ़ाया गया और मैंने ट्रेनिंग लिया वो बेटर ही रहा, और 3 महीने की कोर्स तकरीबन 1 महीने में ख़त्म हो गई, जो क्योंकि 8 घंटे पर डे पढ़ाया जाता है और उसके बाद भी खुद से प्रैक्टिकल करने को मिलता है। एक बच्चे को तकरीबन 1 दिन में 2 या 3 से प्रैक्टिकल करने को मिल जाता है सर, ऐसी बात है। अच्छा, तो आप इस ट्रेनिंग को आपको अच्छा लगा
बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो भी बच्चे यहाँ पढ़ने आना चाहते हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं। उनके लिए बेस्ट होगा कि खुद से प्रैक्टिकल करने को, ज़िंदगी में पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो जाए आदमी फिर भी अगर कुछ प्रैक्टिकल करने को दे दिया जाए तो वो नहीं कर सकता सर। सही है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन हम जितना कमर्शियल यूज़ के लिए जो कुछ लगता है ज्ञान वो पूरा हम यहाँ पे देते हैं। साथ ही अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं है तो उसको नोट डाउन करके भी देते हैं और उसका प्रिंट या जेरॉक्स होगा वो नोट्स भी उनको सब हम दे देते हैं, ताकि वो आगे जाके वो वहाँ जो कुछ प्रॉब्लम आए वहाँ फाइंड आउट करके वो जैसे लिखा है स्टेप बाय स्टेप उसकी तरीके से अगर वो प्रोसेस करके काम करेगा फॉलो करेगा सर, उसके लिए तो बेटर होगा सर। हाँ, मतलब लिख के लेगा तो उसको सबसे अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा, तो इसका पूरा ख्याल हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, आप यहाँ का आपको रहने का कैसा माहौल लगा? सर यहाँ का खुली वातावरण बहुत अच्छा है सर, और बेहतर ये है कि यहाँ का हवा भी अच्छा है और यहाँ पर रहने सहने का माहौल भी है बहुत अच्छा है सर। और बाकी स्टूडेंट अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ जाएं, वेलकम है उनके लिए। ठीक है, तो आप आगे जाके अभी आपने ट्रेनिंग किया कम्प्लीट, ठीक है जी सर, तो आप आगे जाके जॉब करेंगे या खुद का बिजनेस? नहीं या सर, विदेश निकल जाएंगे? नहीं सर, मुझको जॉब करना है सर। जॉब करना है जी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट भी अभी चालू हो रहा है, फिलहाल कुछ कंपनी ने हमसे कॉन्टेक्ट किया है, उनका नंबर भी मैं इनको शेयर करूँगा। और कहीं से बाहर से भी मतलब आगे अगर कोई हमारे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं आर्ट कैंप के लिए, अगर वो वहाँ विदेश में हो यहाँ कहीं पर भी हो तो उनको भी यहाँ से वो बच्चों को कॉल करके अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे यहाँ पे कॉल सेंटर पे दे दे रही है, क्योंकि अगर उनका कॉन्टैक्ट ये सीएनसी राउटर का बिज़नेस इस तरीके से चलता है कि उसका कुछ हाई लेवल पे मतलब सीएनसी जैसा नहीं चलता, सीएनसी का जो लेथ मशीन रहते हैं उनका बहुत कम रहता है, लेकिन सीएनसी राउटर का एक वर्क एक अलग प्रोफेशन के लिए अलग स्टाइल मतलब अलग क्लास के लोगों के लिए ये चलता है। और यहाँ पे सब डिज़ाइनिंग जो रहते हैं वो सबसे अच्छे रहते हैं, मैं वो डिज़ाइन भी आपको यहाँ पे डाल दूँगा। अगर कोई हमारे बच्चों को प्लेसमेंट देना चाहता है तो हमारे नंबर पे कॉल करके उनका कंपनी का डिटेल और बाकी प्रोफाइल वो हमें सेंड करें ताकि हमारे बच्चों को हम शेयर कर सकें। ठीक है, तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। फिलहाल हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अगर आपको ये जानकारी दी हुई अच्छी लगी होगी तो इसके बारे में हमें ज़रूर बता देना। थैंक यू सर।